अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका जारिका जाकर किचन में। और आज मैं बनाऊंगी खीर। तो ये देखिए, पहले दूध को उबाल लेती हूँ। और ये साबूदाना और चावल की खीर है, तो इसके लिए मुझे पहले साबूदाना, देखिए मैं अच्छी तरह से भिंगा ली हूँ, धो के एक पानी से भिंगा लीजिए। और चावल को भी धो के भिंगा के रखी हूँ 1-2 घंटे के लिए। और दूध को होने देती हूँ पहले बॉईल अच्छी तरह से। ये चावल को थोड़ा से मिक्सी जार में एक बार या दो बार दरदरा पीस लूँगी, ताकि जब मैं दूध में डालूँगी तो अच्छी तरह जल्दी पक जाए। तो दूध हो गई है बॉईल, अब इसी में मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा से जो चावल मैं पीस ली थी हल्का दरदरा, वो मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से चला लूंगी। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी साबूदाना। जो मैं फुला के रखी थी, तो आप लोग भी रमजान में जरूर बनाइए इस तरह से खीर, बहुत ही अच्छा और यम्मी लगता है। और धीमी आंच में ही खीर को पकाइएगा साबूदाना और चावल गलने तक। जब तक ये गलता है, ड्राई फ्रूट कट कर लेती हूँ ऐड करने के लिए। ये धीमी आंच में ही पकेगा खीर आपका, इसको तेज मत करिएगा। धीमी आंच में चावल साबूदाना अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। तब इसी में थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूंगी, ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा आए इसका। देखिए कितना अच्छा कलर आया ना खीर का। आपको अगर कलर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया। और लगभग हमारा साबूदाना चावल सॉफ्ट होने का है, 5 मिनट में और हमारी खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो अब इसी में मैं चीनी ऐड कर दूंगी, क्वांटिटी के हिसाब से चीनी ऐड करिएगा। देखिए हमारा खीर जो है कितनी बेहतरीन बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग जरूर रमजान में ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी बनती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए अब इसी में मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट, क्योंकि खीर ड्राई फ्रूट के बिना बिल्कुल भी अधूरी है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह खीर बन गई है। अब चूल्हे को कर दूंगी बंद। देखिए मेरी बना हुई खीर बन के रेडी हो चुकी है, और इसके ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट चेरी डाली हूँ। तो आपको अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों, विदा लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।